हमारी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। हमारी परेशानियों का कारण कौन है? हम स्वयं, और कोई हमारी परेशानी का कारण नहीं है। हमने अपने आप को जानबूझ करके बांधा है। चाहे तो हम यहां से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं, यहीं के ही बंधे रहते हैं। एक भौरा होता है, वो दिन भर कमल का पुष्पराग लेता है, और लेते लेते शाम हो जाती है, कमल पंखुड़ियां बंद हो जाती है। अब वो उसी में बैठे बैठे क्या सोचता है, कल प्रातः होगा, सूर्य उदय होगा, ये पुष्प फिर खिलेगा, मैं उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर बैठ करके फिर रसास्वादन करूंगा। रात में वो भौरा चाहता तो उस कमल को फाड़ करके बाहर आ सकता था, उस भौरे में ये सामर्थ्य थी, वो बाहर आ सकता था, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। प्रातःकाल होगा, ये अपने आप खिलेगा, हम फिर यहां से उड़ेंगे, लेकिन प्रातःकाल हो नहीं पाई। उसी के पहले एक हाथी आया, और हाथी ने उस कमल को तोड़ा, उसके अंदर वो भौरा था, उसे नहीं पता, उसने मुंह में रखा, और उस कमल के साथ ही उसका भी गोविंदाय। परमात्मा ने हमको ये बुद्धि दी है, हमको विवेक दिया, हम चाहें तो यहां से पार हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो यहीं पर रहना चाहते हैं। हम जो जो वृद्ध होते चले जाते हैं, त्यों और यहीं पर हम होते। आप अपने दुख के स्वयं कैसे कारण हैं? एक बहुत सुंदर एक उक्ति है, आप लोग सुनना थोड़ा। एक मरीज के पास, एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं परेशान हूं। क्या परेशानी है? कहा, जब मैं रात में सोता हूं तो बंदर मेरे सपने में आकर के फुटबॉल खेलते हैं। रोज का ये काम है, रोज आकर के बंदर मेरे सपने में फुटबॉल खेलते हैं। बहुत परेशान हूं मैं, सब सो नहीं पाता हूं ढंग से। तो डॉक्टर ने कहा, एक काम कर, ये दवा खा ले, अब तो ये सपने नहीं आएंगे। कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, कल से खाऊंगा मैं दवा। डॉक्टर ने कहा, आज क्यों नहीं खाओगे? कहा, आज उनका फाइनल मैच है। आज बंदरों का क्या है, फाइनल मैच है, आज और मैच देख लूं? अब फिर कर, हमारा भी यही हाल है। भजन करने के लिए कहा जाए तो कब करेंगे? कल करेंगे ना, अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है। आज करे सो तो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। आपके पास सुख है तो सब आपके इर्द गिर्द हैं, और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं है, आपका आर इर्द गिर्द कोई नहीं है, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक स्वामी जी का मैंने बहुत सुंदर उदाहरण सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिय लगा मुझे। स्वामी जी कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिय लगा मुझे। स्वामी जी कहते हैं, ये दुनिया एक कुत्ते की तरह है। किसकी तरह है? अरे बोल तो दो, कुत्ते की तरह। किसकी तरह है? कुत्ते। आप यदि रोज पार्क में घूमने के लिए जाते हो ना, और आप बिस्कुट लेकर के जाते हो कुत्ते के लिए, तो आपको देखते कुत्ते क्या करने लगते हैं? दुम हिलाने के लिए लगते हैं। आप आगे आगे और कुत्ते आपके पीछे पीछे, लेकिन कब तक वो कुत्ते आपके पीछे पीछे हैं? जब तक आपके हाथ में ब्रेड है, और जो ही ब्रेड समाप्त हुई वहीं कुत्ते गायब हो जाते हैं कि नहीं? बस यही हाल दुनिया का। पीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, को काऊ को नाही। बाबा सूर कहते हैं, सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरे, विपत्ति पड़े सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। पीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से ही सब बांधियो, को काऊ को। चलिए, हमारे संत कहते हैं, आप परिवार 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 इसके सोचते उसको सोचते हो, अपने कब सोचोगे? बाबा नानक जी ने कहा था, गुरु नानक जी के वचन है, नाम न जपिया राम का मोड़े फिर पाछे पछताए,
ये तुम राम का नाम नहीं जपोगे तो अंत में तुम्हें सिवाय पछताव के और कुछ नहीं मिलने वाला, ये कोई भी तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। यदि अंत में कोई तुम्हारे काम आएगा तो वो कौन कौन काम आएंगे? राम का, परमात्मा, उसके अलावा कोई काम नहीं। आप इसके लिए सोचते हो, उसके लिए सोचते हो, उस सबके लिए सोचते हो, अपने लिए कब सोचोगे? हमारे संतों ने कहा है, जो सुख जग चाहत जगत में तो राम शरण तू ले। जो यदि तुम सुख चाहते हो जगत में तो किसकी शरण लेनी चाहिए? इस हाथी ने भी अंतिम में प्रभु को पुकारा, और जब प्रभु को पुकारा तो फिर प्रभु बचाने के लिए आए। दुनिया वाले विपत्ति में आपको बचाने के लिए नहीं आते हैं। आपके पास संपत्ति है तो सब आपके इर्द गिर्द हैं, और आपके जीवन में विपत्ति है तो लोग धीरे धीरे आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। नानक जी ने कहा था, संग सखा सब तज गए कोई न निभियो साथ, संग सखा सब तज गए कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। उस विपत्ति में, उस विपत्ति काल में भी यदि कोई आपका साथ देगा तो कौन साथ देगा? राम साथ देगा।